अभी हम यहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम क्या बताओ? बताओ जोर से। ये स्थान का नाम है केसी घाट। ये स्थान का नाम केसी घाट क्यों नाम पड़ा? बोले कारण है, जब कृष्णा ब्रज लीला में इतने डूबे हुए थे, इतने ब्रज लीला में डूबे हुए थे कृष्णा, एक समय कृष्ण यहीं पर गया चराते चराते सखाओं के साथ में आए आए तो कंस ने जिन जिनियों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, ये सबके सब तो डीग हांकते हुए आए हैं। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण कितने साल के? 10-11 साल के कृष्ण हैं, उनको मारना थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, कोई चिंता मत करो। लेकिन जो आए वो आए, लेकिन कोई वापस गए नहीं, कृष्ण सबको उद्धार कर दिए। एक दैत्य था जिसका नाम था केसी दैत्य। बोले भैया मेरे को भी एक चांस दिया जाए। बोले सब एक ही चांस लिए, दो चांस किसी ने लिए ही नहीं, जो गए तो गए, कोई वापस यहाँ आए नहीं। बोले आप चिंता मत करो, वो कृष्ण छोटा सा बच्चा है ना, इसलिए कोई चिंता मत करो। लेकिन ये तो बताओ कि कृष्ण देखने में कैसे? हम तो कोई कृष्ण को देखा ही नहीं, कृष्ण देखने में कैसे? बोले मैंने भी नहीं देखा, मैं भी सुना है, मैंने सुना है वो देखने में श्याम रंग के पीताम्बर पहनता है, सर पर मयूर मुकुट है, बंसुरी बजाता है, बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजाता है, हमने भी सुना है लेकिन हम भी देखा नहीं। बस यहीं पर केसी दैत्य ने एक घोड़ा का रूप धारण करते हुए हिन हिन करते करते आकाश में आंधी तूफान को एकदम उड़ाते हुए यहीं पर आए। वो कहाँ पर? मुरली वाले और पीताम्बर मयूर मुकुट धारण वाले कौन है? लेकिन थोड़ी देर पहले मधुमंगल से कृष्ण की लड़ाई होगी। बोले किस चीज की? बोले मधुमंगल बोले कन्हे आतरे को पता है ये गोपियाँ इतने प्रेम क्यों करते हैं? हमें तो कोई प्रेम करते नहीं, सब दिन भर तेरे पीछे पीछे घूमते हैं और मक्खन लड्डू मिश्री सब तेरे को खिलाते हैं। बोले क्यों जानते हो? बोले क्यों? बोले तेरे को थोड़ी करते हैं। बोले फिर किसको? बोले तेरे जो ड्रेस है ना, वो ड्रेस इतने कमाल है, पीताम्बर पहनते हो, मयूर मुकुट हाथ में बंसुरी, अगर ये चीज अगर हमें दे दोगे ना, कोई भी वृंदावन में तेरे को पूछने वाले नहीं, सारे लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब हमें मिलने वाले। बोले कोई बात नहीं, ले ले ले, ले दे दे, देख लेना क्या होता है। बस इतने में अदला बदला कर दिया। इतने में कैसी दैत्य ने आई, लेकिन उन्होंने क्या सुना था? कृष्ण कैसे देखने में? श्याम रंग के कृष्ण बंसुरी बजाते मयूर मुकुट, लेकिन तो चेंज किया हुआ ना, अभी तो मधुमंगल पहना हुआ, उसको तो भ्रम हो गया शायद यही कृष्ण होगा। इतने में केसी दैत्य आए और हीन हीन करते करते आए और दुलती मारे, लती तो लगी नहीं, उसकी हवा से ही मधुमंगल जाकर धड़ांग करके गिरी, हवा से ही। बोले कन्हैया मैं सोच रहा था तेरे ड्रेस पहनने पर लड्डू कचौड़ी मिलेगी, ये तो मेरे को लाद भैया, ये तो बड़े खतरा है तेरे ड्रेस, भैया हमको जरूरत नहीं लड्डू कचौड़ी, तू ले ले, तू खा। बोले दे दे, दे दिया। जब दे दिया, इतने में केसी दैत्य सोच रहे हैं, जिसने अघासुर बघासुर को पछाड़ दिया, जिसने पुतना और सकटासुर को मार डाले, एक लात लगी नहीं, हवा से कैसे गिर सकता है? सचमुच ये भगवान, ये नहीं कृष्ण है, जिसको अदला बदला कर दिया। बोले यहाँ ये कृष्ण है, क्योंकि ये श्याम रंग के, लेकिन मधुमंगल तो गोरे रंग के था, ये तो श्याम रंग के। इतने में केसी दैत्य पूर्ण जब आक्रमण किया, इतने में कृष्ण उसके साथ में लड़ाई करते हुए अपना हाथ बना उसको मुंह में घुसा दिया और उस शरीर को ऐसे गर्म कर दिया जैसे लोहे होता है ना गर्म करते, ऐसे लोहे जैसे गर्म कर दिया और उसको गले में जाकर कृष्ण हाथ अटक गया तो सारे श्वास बंद। आप देखना अगर गला बंद हो गया ना, शरीर का कोई अंग अगर खराब हो, देखना कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहोगे, लेकिन गला अगर घुट गया तो क्या होगा? गला एक मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। इतने में उसने अपना आँख रसगुल्ला जैसे निकल आया और वहीं पर केसी दैत्य ने प्राण त्याग दिया। इतने में स्वर्ग से सारे देवता लोग भगवान कृष्ण की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अरे जोर से बोलो आज एकादशी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए सबके सब जयकार दिए। इतने में यहीं पर श्री नारद जी आए। बोले प्रभु आप ब्रज लीला में इतने डूब गए हो, अब भूल गए आप कौन क्यों किस लिए आए हो? भैया ऐसे एक ही कोई दैत्य आ गए मार दिया, ऐसे काम नहीं चला, थोक दर का काम शुरू करो, थोक दर समझते हो? हाँ, थोक दर का काम करो, अभी कितने कितने पड़े हुए हैं,
कितने कितने बदमाश कंस जरासंध शिशुपाल दंत बकर बने हुए, कितने लाख लाख सब दैत्य पड़े हुए, अब क्यों आए हो? परित्राणाय साधु नाम बिना सहाय दुष्कृत नाम, दुष्टों को बिना संतों को त्राण करने के लिए आए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले बोलोगे तो व्यवस्था कर देता हूँ। बोले कर दो। बोले ठीक है। कंस को जाकर भड़काया। बोले पता है तेरे को ये कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन? बोले आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। बोले फेर? बोले तू रात रात को सोते रह गया? और वसुदेव को कहा था सारे बच्चे दे दूंगा, उसे राता रात तक पहुंचा दिया। किस कहां पर पहुंचा दिया? बस गोकुल में पहुंचा दिया, और तू देखते रह गया। इसलिए वो कृष्ण बलराम वसुदेव का बेटा, धनुष यज्ञ कर उसको बुलाओ और मिल करके, तेरे पास में कोई योद्धा की कमी नहीं, बड़े बड़े योद्धा अभी भी हैं, सल तो सल चारणु मुष्टिक बड़े बड़े पीस तो सबको। भले गुरु जी के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है। फिर तो उन्होंने कृष्ण बलराम को बुलाया, लेकिन जब कृष्ण धनुष तोड़ दिया ना, तब तो गाली देने गए नारद जी को। बोले बाबा बदमाशी है, मैं कहा चैन से जिंदा रह रहा था और मेरे को बोला था कौन है? मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम। परशुराम बोला था क्या? ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। हे भगवान, मैं कहाँ काल को बुला दिया? नारद जी बड़ी गड़बड़ी, कहाँ गए नारद जी? मेरे को ऐसे भड़काया, भड़का करके हमको बुद्धि खराब कर दिया, और काल को मैंने बुला लिया जान बुझ करके। फिर तो कृष्ण कंस को मारे। इसलिए ये स्थान वही कैसे तीर्थ स्थान है, और यहीं पर ही श्री रूप गोस्वामी सावधान करते थे। बोले देखो खबरदार, कोई जाना नहीं वृंदावन। बोले वृंदावन जाना नहीं, हम दुनिया चाहते वृंदावन जाना, हम तो वृंदावन आ ही गए। बोले आ गए वृंदावन? बोले गया तुम्हारी सब कुछ। बोले क्यों? बोले अगर भूल से आ गए ना, जो कैसी तीर्थ घाट जहाँ पर खड़े हुए। बोले तो वहाँ प्यार पढ़नी नहीं चाहिए। बोले हम तो प्यार पढ़ गया, हम तो खड़े हुए, हम तो खड़े ही वही पर। बोले अगर वहाँ चले गए ना, वहाँ पर देखना कि काला रंग का छोकरा खड़ा है, गोविंद देव मंदिर में भगवान कृष्ण गोविंद है, कहते वो मंदिर में तो जाना ही नहीं चाहिए। बोले भैया हम तो वही खड़े, हम तो उनको दर्शन के लिए आए हैं। बोले अगर खड़े हो सावधान, उनको नजर से नजर नहीं मिलाना, उनका उनको तेरछी चितवन नहीं, वो तीर है, इधर से उधर चुभ जाएगी। खबरदार उनकी मीठी मीठी बंसुरी की आवाज़ सुनना नहीं। उनका जो मीठी मीठी हंसी है ना, हंसी नहीं फंस जाओगे हंसी में है। इसलिए जो सर पर मयूर मुकुट, उसको ऊपर नजर मत लगाओ, क्योंकि एक बार वो रूप को देख करके अगर पिता देखा तो बच्चे को भूल गया, पत्नी देखा तो पति को भूल गया। देखो सर पत्नी आई पति को भूल करके है, पति से पत्नी आई पति को भूल करके, पति देखा तो पत्नी को भूल गया, बेटा देखा तो पिता को। एक बार जो उसको देखता है ना, बस फिर तो दुनिया को देखने की इच्छा नहीं करता है। इसलिए खबरदार उनको ऊपर में मीठी मीठी हंसी को ऊपर फंसना नहीं। फिर तो राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल, फिर तो दुनिया की कहीं नहीं रह जाओगे। फिर तो दिन भर प्रभु के नाम लेकर भक्ति लेकर के दिन भर घूमते रहोगे। मतलब क्या? रूप गोस्वामी कहते हैं अगर जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, क्या माया के संसार में फंसे हुए टाटी पे सब थली में, अरे एक बार ठाकुर को देखो, ठाकुर कितने सुंदर देखो तो हैं, कहाँ तुम फंसे हुए हो। अगर जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, एक बार यही कैसी तीर्थ घाट में आओ और ये गोविंद भगवान को देखो, देखो उसमें क्या आनंद और उसमें क्या रस है। ठीक है, असली जीत यहाँ पर बार घाटों में अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये सर्वश्रेष्ठ घाट है। यहाँ पर अगर एक बार कोई आए, यमुना में आचमन करे, नहाए, तो फिर उसको जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर तो सीधा ठाकुर के पास में ही जाता है। ठीक है, बोले श्री कैसी तीर्थ घाट की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। हाँ चलो सब सबको इधर उधर खोना नहीं, सब साथ साथ में चलिए।